कोटलिन के अगले लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डाटा कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो इंटेंट के जरिए हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक एक्टिविटी के जरिए एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाया जा सकता है, ये हमने काम किया था। तो अब हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि ये जो डाटा है, ये हम कोई डाटा पास करना चाह रहे हैं कि इस एक्टिविटी से, मेन एक्टिविटी से जो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएँ उसमें हम डाटा कैसे पास करें विद इंटेंट। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि इंटेंट डॉट, ये जो हमने इंटेंट का वेरिएबल बनाया है, पुट एक्स्ट्रा, ठीक है, इसके अंदर आप ये ऑप्शन देख रहे हैं। पुट एक्स्ट्रा में आप एक की वैल्यू देनी है जो फर्स्ट नेम है, यानी किस नाम का वेरिएबल, यानी किस नाम से आप उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग है और नेम। उसके बाद आप इंट सेंड कर सकते हैं, बाइट, चार, लॉन्ग, फ्लोट, शॉर्ट, डबल, बूलियन, बंडल, आप एक बंडल बना के पूरा सेंड कर सकते हैं, स्ट्रिंग, इंट अरे, बाइट अरे, चार अरे, लॉन्ग अरे, फ्लोट अरे, पार्सेबल, और ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि आप पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, पुट एक्स्ट्रा करके इसमें हम सबसे पहले दे रहे हैं जी फ्रॉम, या इसको कह देते हैं जनाब वैल्यू वन, और इसका नाम दे देते हैं हेलो फ्रॉम मेन एक्टिविटी। ओके जी, हेलो फ्रॉम मेन एक्टिविटी। अब इसको रीड कैसे करना है, ठीक है, इसको आपने रीड कैसे करना है अपना जो दूसरी एक्टिविटी जिसमें आप रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर, उसके लिए एक बंडल इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, बंडल। बंडल क्या चीज़ होती है, अब इसके अंदर आप देखें तो जो बंडल है वो बेसिकली एक बंच ऑफ डाटा का होता है। ठीक है, बंडल इज यूज टू पास डाटा बिटवीन एक्टिविटीज, यू कैन क्रिएट अ बंडल, पास इट टू इंटेंट दैट स्टार्ट्स द एक्टिविटी विच देन कैन बी यूज्ड फ्रॉम द डेस्टिनेशन एक्टिविटी। अच्छा, बेसिकली एक काफ़ी सारा डाटा जब आप किसी चीज़ में एक, यानी कि जैसे आप बंडल बना के किसी को सेंड करते हैं, आम टर्मिनोलॉजी में भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है, ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर ये आपकी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये बंडल कंस्ट्रक्टर, बंडल कंटेनिंग अ कॉपी, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, एज अ बंडल पास ऑन होती हैं ये चीज़ें। तो उसको रीड करने के लिए जिस एक्टिविटी में आप इसको रीड करना चाह रहे हैं उसके अंदर आपने ऐसा करना है जनाब के एंटर प्रेस करें। ठीक है, एक बंडल का वेरिएबल क्रिएट करें, गेट इंटेंट, इसका इंटेंट के अंदर डायरेक्ट आ जाएगा वेरिएबल गेट, गेटर सेटर इसमें अवॉइड होते हैं कोटलिन के अंदर। ठीक है, तो एक्स्ट्रास, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रास, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने एक वेरिएबल क्रिएट करें मैसेज का, आप कह सकते हैं इसको बंडल डॉट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, की वैल्यू आपने कौन सी दी थी, वैल्यू वन की, कंफर्म कर लें कि मेन एक्टिविटी में आपने यही स्ट्रिंग दी थी, वैल्यू वन की यही स्ट्रिंग दी है हमने, यहाँ पे हम इसको गेट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम टेक्स्ट व्यू होल्ड अ सेकेंड, अब एक्टिविटी मेन के अंदर एक चीज़ और आप पास करना, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट आपने इसको देना है एक्टिविटी वन का, कि ये जो लेआउट है ये एक्टिविटी वन की बेसिकली लेआउट है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आप एग्जाम्पल के अंदर इस तरह से पास कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर इसको आईडी दें, एक्टिविटी वन टी व्यू वन, ठीक है, ये इसका हम नाम दे रहे हैं। अब इसको यहाँ पे रीड करें, एक्टिविटी व्यू वन के नाम से यहाँ पे हम गेट कर लेते हैं। ठीक है, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू मैसेज, ठीक है, अब वहाँ से जो भी डाटा पास होगा वो यहाँ पर आपको जो है जनाब एक्टिविटी वन के अंदर रिसीव होके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर
यानी टेक्स्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से आप जो वैल्यूज़ है वो बिटवीन द एक्टिविटीज़ आपस में शेयर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंट के अंदर आपने पुट एक्स्ट्रा करना है और वो एक्स्ट्रा इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा के ज़रिए गेट होगा और यहाँ पे ये रिसीव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोटलिन आपको इन दो लाइनों को मज़ीद शॉर्ट करने का भी तरीक़ेकार प्रोवाइड करती है। वो तरीक़ेकार क्या होगा कि आप इस वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल आपके लिए कोटलिन ने ऑलरेडी इस केस के अंदर बना दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये लाइन भी आपकी निकल जाएगी। और अगर आप इन दो लाइनों को भी मज़ीद शॉर्ट करना चाहें तो ये लाइन भी आपकी निकल के आपकी जस्ट लाइन रह जाएगी लाइक दिस। ठीक है, तो ये कोटलिन का शॉर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सारा काम हम एक लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं एज इट इज़। तो intent.extras.getString value 1 और डायरेक्ट हम इसको टेक्स्ट व्यू के अंदर भी पास ऑन करके रन कर सकते हैं जस्ट लाइक वी आर एक्सेसिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एक्टिविटी। ओके, और ये टेक्स्ट व्यू को हमने चूँकि इस्तेमाल नहीं कर रहे, बाद में इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये लाइन और ये लाइन। इसके बाद यहाँ पे ऑन बैक प्रेस का जो फंक्शन हमने लास्ट टाइम किया था सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस वापस कर देंगे तो ये दोबारा बैक स्टैक में एक्टिविटी को रिट्रीव कर सकता है। इसको भी हम रिमूव कर देते हैं तो फाइनली हमारी एक्टिविटी शॉर्ट ऑन होकर ये चीज़ रह जाती है। ठीक है जनाब, ये आपका कोड है तो आप इसको रन करके चला सकते हैं। इम्युलेटर में रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको हम रन करते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं, आप अपने तौर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्राई करके, तो वो चीज़ ये है कि जनाब आप ऐसा करें कि जो हमने एक्टिविटी 1 बनाई है इसके अंदर एक बटन एंटर करें जो कि आपको एक्टिविटी 2 में ले जाए, और फिर आप एक्टिविटी 2 के अंदर एक बटन प्रेस करें जो आपको एक्टिविटी 1 में लेके आ सके आप। ठीक है, तो इस तरह से आप टू फ्रॉम एक्टिविटीज़ में स्विचिंग करें और बैक स्टैक को बैक प्रेस करके चेक करें कि आया वो क्या आपको रिज़ल्ट फ्राहम करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जनाब आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर स्विचिंग किस सिनेरियोस के अंदर किस तरह से आपकी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।